अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक टीवी है जी, सोनी का फुल फ्लैट मॉडल है जी। ठीक है जी, इसमें फॉल्ट ये है कि जब हम इसको पावर दे देते हैं इसमें पावर वगैरह आ जाती है, चल जाता है। ठीक है जी, उसके बाद मैं इसको ये आड़ी वीडियो डिस्क की तार लगाने लगा। ये देख सकते हैं आड़ी वीडियो 2 लिखा हुआ आ चुका है, ये इसकी वीडियो भी आ चुकी है लेकिन इसके ऑडियो नहीं आ रहे। ठीक है जी, ये इसका वॉल्यूम भी 100 पे है। अब हम इसको ओपन करके चेक करते हैं क्या इसमें क्या फॉल्ट है जिसकी वजह से इसकी ऑडियो नहीं आ रही, क्या इसके स्पीकर ख़राब है, या इसके आउटपुट इसमें फॉल्ट है, क्या प्रॉब्लम है, क्या फॉल्ट है जिसकी वजह से ये ऐसी हरकत कर रहा है। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ और मेरे चैनल का नाम है अल्ताफ इलेक्ट्रॉनिक्स। सब्सक्राइब करो, साथ वाले बेल आइकन दबा दें। मैं अभी इसे ओपन करने लगा। ये अब आप देख सकते हैं कि मैंने टीवी को ओपन कर लिया जी। अब मैं सबसे पहले तो काम इसका ये करूंगा कि इसका स्पीकर चेक करूंगा। ठीक है जी, उसके बाद इसका आउटपुट का हिस्सा चेक करूंगा। ये वाला इसका आउटपुट हिस्सा है जी। ठीक है जी, क्या इसका स्पीकर का प्रॉब्लम है, या ऐसे ये वाले इसके आईसी का प्रॉब्लम है। ये स्पीकर आईसी के अलावा इसमें एक और फॉल्ट भी आ जाता है, वो ये फॉल्ट आ जाता है कि इसका ये वाला जो हेडफोन के लिए जैक होता है ये वाला, इसका भी प्रॉब्लम आ जाता है। ये भी अंदर से इसका पार्ट ख़त्म हो जाते हैं, ये कार्बन बनाकर छोड़ जाता है। ठीक है जी, इसकी वजह से भी आवाज़ नहीं आती बैर वाले स्पीकर में। ठीक है, अब हम ये चेक करते हैं इसमें ये क्या फॉल्ट है। ये इसकी किट को मैंने साइड पर निकाल लिया है जी। ठीक है जी, इसका स्पीकर तो बिल्कुल ठीक है, स्पीकर का इसका प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब ये हमारा फॉल्ट आ रहा है इस जैक में। ठीक है जी, ये वाले जैक में, इस जैक को मैं बैर ऊपर स्पीकर लगा कर चेक करता हूँ क्या हमारा आईसी तो ठीक है, आईसी में तो फॉल्ट नहीं है, क्या इसी जैक का ही फॉल्ट है। ये देखिए, इसके ऊपर वायर लगाने से इसकी ऑडियो आने लग जाती है। ठीक है जी, ये बाकी किसी पॉइंट पर भी इसकी आवाज़ नहीं जा रही। अब हमने ये चेक करना है कि इसके जो हमारे बैर वाले स्पीकर के पॉइंट हैं और ये जो इसके मेन आईसी के पॉइंट आ रहे हैं ऑडियो के लिए, उन दोनों का हमने ये जोड़ देना है। ठीक है जी, अब हमने वो ट्रेस करने, वो इसके कौन से दो पॉइंट हैं, क्योंकि इसमें ग्राउंड भी आ जाता है इसके लिए, ये हेडफोन के लिए भी इसमें आवाज़ आ जाती है, वो हमने इसका ट्रेस करने हैं। वो अब मैं करके दिखाता हूँ वो कैसे। इसके ये वाला मेन पॉइंट है जिस पर इसकी ऑडियो आ रही है। ठीक है जी, ये वाला ये इसका ग्राउंड का पॉइंट है और ये इसके हेडफोन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब हमारे फॉल्ट आ रहा है इसके ये वाला स्पीकर का पोल है जो वो ये वाला है। ठीक है जी, अब हमने ये करना है इस जगह से एक वायर लेकर इस जगह पर लगा देनी है, उससे हमारी आवाज़ मुस्तकिल बरकरार रहेगी, इसकी आवाज़ कभी भी बंद नहीं होगी। ये देख लें, ये आप देख लें, मैं यूज़र के साथ शार्ट किया इसको लेकिन इसकी आवाज़ आने लगी है। अब इसके ऊपर मैं एक वायर लगाने लगा हूँ, उसके बाद आपको चेक कराता हूँ। ये अब आप देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर ये वायर लगा कर जम्पर लगा दिया है जी। ठीक है जी, इसका ये फ़ायदा कि ये इसकी कभी भी अब आवाज़ नहीं ख़त्म होगी। ठीक है जी, इसका पिन का ये कनेक्शन मैंने कट ऑफ कर दिया है, जो ये इसके साथ अब होना था ना हेडफोन के लिए, वो इसके मैंने इधर से डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, अब अगर इसकी पिन हेडफोन वाली लगाएँगे ये अंदर भी आवाज़ आती रहेगी और बाहर भी आएगी। ठीक है, जो इसके बाद पहले बंद हो जानी थी वो अब नहीं काम करेगी। ठीक है, अब मैं आपको फिटिंग करने के बाद आपको चेक कराता हूँ। ये आप देख सकते हैं मैंने टीवी को फिटिंग कर दिया मुकम्मल तौर पर। ठीक है जी, और इसके अब ये कुल 7 रुकू और कुल 69 आयात हैं। आज की थी हमारी ये वाली वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।